स्किन केयर करने से पहले मेरी स्किन कुछ इस तरीके से लगती है एंड मैं मेरे फेस को जिस दिन में दो बार वॉश करती हूँ, एक तो मॉर्निंग एंड फिर नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए, दिन के बीच में मैं मेरे फेस को इवन वाटर से भी वॉश नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन टाइप जो है वो नॉर्मल है एंड बार बार फेस को वॉश करने से मुझे लगता है कि मेरी स्किन की नेचुरल ऑयल जो वो चली जाती है, फिर स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो मैं मेरे फेस को पर्सनली बस दिन में दो बार वॉश करती हूँ एंड फिर अच्छे से मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। तो अगर आपको एक्सेसिव ऑयल की प्रॉब्लम नहीं है फेस पे और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है तो मत धोया करो यार, दिन भर चेहरा स्किन का नेचुरल ऑयल भी चला जाता है। सो फिलहाल फेस वॉश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डम डॉग का ये 4% नियासिनामाइड फेस वॉश एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ मेरे चैनल पे। तो अभी सेकंड स्टेप की बात करें तो वो होने वाला है DIY फेस मास्क, सिंपल सा मुल्तानी मिट्टी एंड रोज वाटर है ये एंड मैंने इसको एक सुबह में बना के रख दिया था एंड मैं इसको यूज़ करती हूँ आराम से, दो तीन दिन तक स्टोर भी कर सकती हूँ। एंड फेस मास्क मैं जनरली डेली नहीं लगाती, लाइक हफ्ते में दो बार ही काफ़ी है एंड ये फेस मास्क मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जम चुका है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अपने फेस पे कुछ इस तरीके से इसको मसाज कर लेना होता है एंड ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है और ऐसे भी अगर आप अपने स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हो तो आप इस फेस मास्क को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फेस मास्क की मैंने एक अच्छी थिक लेयर अप्लाई कर ली है एंड अभी वेट करेंगे लाइक 10-15 मिनट्स के लिए एंड उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा और सेमी ड्राई हो जाएगा, 15 मिनट से ज़्यादा मैं वेट नहीं करती एंड उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे एंड बढ़ेंगे अपने थर्ड स्टेप की ओर। फेस पैक वॉश करने के बाद मैंने टोनर अप्लाई कर लिया क्योंकि स्किन ड्राई होने से पहले टोनर अप्लाई कर लेना चाहिए एंड अभी हमारा टोनर भी स्किन में ड्राई हो चुका है एंड अभी बारी आती है फेस सीरम की। सो फिलहाल मैं ये विटामिन सी फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कुछ एक्ने स्पॉट्स हैं, साथ ही थोड़ी सी टैनिंग है, तो मैं ये वाला विटामिन सी सीरम यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहा है। एंड आपके मन में कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, बाकी इसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया है तो आई बटन पर लिंक दे दूंगी एंड मैंने जितने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आई थिंक मैंने सभी का रिव्यू शेयर किया है तो सभी का लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगी, अब जाके देखो अगर अभी तक नहीं देखा तो। एंड मैं बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की ज़रूरत नहीं स्पेशली सीरम्स के साथ। फिर सीरम अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड्स वेट करना होता है लाइक 20-30 सेकंड्स कि वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए एंड फैन ऑन कर लूँ कि अच्छे से ड्राई होता है एंड उसके बाद अप्लाई करेंगे फेशियल ऑयल। तो ऑयल्स मैं हर मौसम में यूज़ करती हूँ लेकिन जब तक मैं स्किन में ऑयल ना लगाऊँ तो मुझे मेरी स्किन केयर जो वो इनकम्प्लीट सी लगती है एंड ये मेरी स्किन पर बहुत ही अच्छा काम करता है, लाइक 2-3 ड्रॉप्स मैक्सिमम एंड ये स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश कर देगा एंड स्किन को वो ड्यूई ग्लो देता है एंड स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखता है। तो मैंने क्वांटिटी बहुत ही कम रखी है हर प्रोडक्ट की, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भरभर के लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप रेगुलरली स्किन केयर फॉलो करो एंड आपको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सो अभी जब फेस के लिए इतना कुछ कर दिया तो लिप्स के लिए भी तो कुछ करना बनता है, तो मैं अप्लाई करने वाली हूँ लिप बाम एंड जस्ट हर्ब्स का है ये एंड फिलहाल मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये एंड आई होप आप लोगों ने इसका वीडियो देखी हो, बहुत ही हल्का सा टिंट आता है एंड लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है। सो यार स्किन केयर कम्प्लीट होने के बाद मेरी स्किन कुछ इस तरीके से लगती है एंड देख सकते हो, मुझे पर्सनली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पसंद है स्किन केयर करने के बाद, आप शाइन देख सकते हो एंड अगर आप ये स्किन केयर रूटीन को लंबे टाइम तक फॉलो करोगे तो लाइक 10-15 डेज के बाद ही आप डिफरेंस नोटिस करने लगोगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।